बात तो यार तुम्हें ना शुरू अच्छा शट योर माउथ। तो यार बात किया यार, सूटी पहन लेती हूँ रेड वाला। चुप चुप। अरे भाई चुप को बस, अरे मैं तो खाने की चुप चुप। नारियल पानी, सादा पानी, टिंडे पे बोलती है यार। पूछे तो चुप। हाँ ठीक है, चुप क्या चुप। था? रेडियो एफएम की तरह बोलती रहती है यार। पता हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज आपकी भाभी पर जो प्रैंक होने वाला है वो क्या होने वाला है? चुप, बिल्कुल चुप। सही समझे? शट अप प्रैंक, चुपचाप प्रैंक, चुप हो जा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा धांसु होने वाली है और एकदम इसमें मैं मसाला वगैरह सब कुछ जो भी है डालने वाला हूँ। तो वीडियो को दिल थाम कर देखिए, पूरा देखिए, पसंद आए लाइक करिए, चैनल बनाओ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। चलिए रंजना के आने का वेट करते हैं। 15 मिनट्स लेटर। ओ तो बड़े वाले बादल आ रहे क्यों नहीं चलाई है? नहीं चलाई ऐसे ही। नहीं टीवी क्या देखे याद करूंगा। मैं याद कर रहा था कि जब हमारी फर्स्ट डेट थी तो हमने क्या क्या खाया था, पिया था, एंजॉय किया था, उसी चीज को मैं याद कर रहा था। मैं ध्यान है मैकडी गए थे हम लोग, बर्गर खाया था। अच्छा फ्रेंच फ्राइज खाई थी। तुम तो इतने बट्टे थे ना, मतलब फर्स्ट डेट में भी तुमने मतलब जल्दी जल्दी खाने पे लगे हुए थे। मैं सोच रही थी कुछ बात करोगे, कुछ अच्छी बात करेंगे बैठ करके, अब तुम खाने में लगे हुए थे। खाने में लगे हुए खाने में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खाने में लगे हुए थे, मेरा फोटो भी खींचा था तुमने, ध्यान है? और तुम बोलने में लगी हुई थी, बात करने में लगी हुई थी। दिखाया था ना मम्मी को? वही वाला मेरा पहला फोटो था जो तुमने मम्मी दिखाया था, अपने फोन से लिया था ना वाले फोन पर। मेरा फोटो अच्छा आया था। तुम्हारे पास है वाला फोटो मेरा? अभी रखा हुआ है, मुझे दिखाना है, बहुत पुरानी याद है। अच्छा उसके बाद हम लोग कई बार मैकडी हो आए थे ना, मूवी हॉल भी गए थे कई बार, मैकडी हो आए थे ना। वहाँ का बर्गर मुझे अभी बहुत पसंद है। अच्छा पकार पकार पकार, मैंने एक बार छेड़िए क्या कहते नहीं है यार। दे दनादन चाक 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 चाक। दिग यार तकती नहीं है यार। नहीं बात तो यार तुम ही ना चुप करे। शट योर माउथ। तो यार बात चुप। बेवकूफ क्या लड़की है यार। इतनी तेज तो रेलगाड़ी का इंजन नहीं भागता होगा जितना तेज तेरा मुंह चलता है। मतलब खुद बात तुम शुरू कर रहे हो। अगर चुप 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 चुप। मैं तुझसे ये बोली थी कि तू इतना बोलेगी तो बात शुरू करोगे। चुप। अरे भाई चुप। बेइज्जती अपनी करा ली ना। बोल दिया ना तूने, अपनी सारी रामायण सुना दी ना। चुप चुप चुप। 2 hours later. आज फिर से शादी की तैयारी? आज क्या पहन के जा रही हो? रेड वाला सूट। अच्छी लगती है उसमें। रेड वाला सही है ना? हाँ। उसका दुपट्टा थोड़ा हैवी है ना, तो इसलिए रेड वाले पहन के जा रही हूँ। वैसे साड़ी भी पहन सकती पर गर्मी हो रही है इसलिए साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा। तुम बोलो साड़ी पहनते? कुछ भी पहन लो। ग्रीन वाली साड़ी पहन लो। ग्रीन वाली साड़ी थोड़ा हैवी वर्क है पर उसमें ज्यादा हैवी वाली की वर्क मत पहन, लाइट वेट वाली ना। तो यार साड़ी पहन के चले तो चलूंगी पर गर्मी लगेगी यार, और उसके साथ यार मैचिंग सैंडल नहीं लेके आई मैं। तो गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी ना। तो यार उसके साथ मैचिंग सैंडल नहीं लेके आई मैं, बताओ क्या करें? चले क्या अभी लेने? अभी मैचिंग सैंडल ले, पास में ही तो शॉप है यार, मुझे चाहिए भी था एक नया। ले चलो। हैं कितने दिन में चलोगे?
बोलो। स्टार्ट होती तो बोलती जाती है, बोलती ही जाती है, फिर तो चुप होने का नाम नहीं लेती है। बोलो ना प्लीज, जल्दी बताओ ना। चुप। चलोगे? अच्छा ऐसा करती हूँ, सूट ही पहन लेती हूँ रेड वाला। चुप। बिल्कुल चुप। ये भगवान क्या जुलूम है। तुम क्या पहन के चलोगे? मैंने कहा ना चुप। बिल्कुल क्या बेवकूफ औरत है यार, पति कह देता चुप हो जा तो चुप हो जाएगा ना। मैं तेरे करके खुद पूछ रहे, तेरे इतने शादी में चलोगी क्या पहनोगी? ओए हेलो, मैं पहले से बैठा था, तुम आई थी ठीक है नेल पॉलिश लगाने। तो मतलब इसका मतलब ये है कि फिर तुम मुझे झूठ झूठ को बोल रही हो? अरे कोई बात भाई, मैं तेरे बराबर नहीं बात कर सकता, तेरे बराबर नहीं मुंह चला सकता, तेरा चक्की ऐसा मुंह है, एक बार चक्की स्टार्ट होती है तो पूरा गेहूं पीस के आटा बन जाता है, उस तरीके से तेरा मुंह चलता है। मेरा नहीं है उस तरीके से, मेरे चक्की जैसा मुंह लगा। हां चलता है तो पर चकर 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 चिक 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 चिक। पहले बोलना तो चुप। शादी से पहले जब पूरे दिन फोन पे, अरे अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? शट अप बेहया। क्या है तुमको प्रॉब्लम? क्या है यार, क्यों बार 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 चुप करा रहे हो मुझे? अरे तो ज्यादा बोलेगी तो चुप नहीं कराएंगे? अरे ज्यादा बोलेगी तो चुप नहीं कराएंगे तो नुकसान? मैंने तो सिर्फ ये पूछा था आज की शादी की तैयारी, अभी से नेल पॉलिश लगा रही हो क्या? और सिर्फ ये पूछा था कि क्या पहन के जाओगी? तुमने तो अपना कलर बता, अपना सैंडल बता, तुम क्या पहन के जाओगे? तुम जे पहन के जाना, सैंडल लेने चले हला ना ढम का पता नहीं क्या क्या। तुमने शुरुआत करोगे तो बोलूंगी नहीं। हां चुप चुप। शादी से पहले पूरा जयपुर मुंह में घुसड़ दूंगा ये तकिया। प्यारी समझ गई। ठीक है चुप हो जाएगा, चुप रहेगा ठीक है, ज्यादा बोलना सेहत के लिए भी हानिकारक है और तेरे ऐसा भोग सुनना भी सेहत के लिए हानिकारक है ठीक है। One hour later. क्या ये मौसम तो बेकार लग रहा है, अगर शाम को ये मौसम बेकार रहा तो फिर तो शादी में जाना कैंसिल है, फिर घर पे कुछ अच्छा बना के खाए शाम को, पार्टी करें शाम को, तुम्हें पता होगा ना चटपटा। छोले भटूरे खाने का मन था पर पता है छोले का लाइन ही है, छोले का लाइन बन पाएंगे नहीं, नहीं तो छोले। अरे सोचो कुछ और अच्छा बनाओ, सैंडविच देख लो, पिज्जा। सैंडविच कौन खाता है यार रात में? सैंडविच खाते हैं। पिज्जा? पिज्जा अभी तो खाया था, पिज्जा तो मेरा मन भर गया, पिज्जा नहीं खाना मुझे। घर वाला पिज्जा, पाव भाजी बनाए पाव भाजी के लिए यार, वो ठंड वाली सब्जी नहीं है, उसके लिए गोभी शिमला मिर्च मटर वगैरह पड़ती है, वो है ही नहीं। सोचो और वही डाल के अच्छी बनती है। सोचो वो बना ले, वो क्या बोलते हैं साबुदाने पकौड़े, पर उसके लिए तो साबुदाना गलाना पड़ता है, वो भी नहीं बन पाएगा। आलू की कचौड़ी, आलू कचौड़ी हाँ। दही, आलू कचौड़ी दही चटनी हाँ सही है, अच्छा लगेगा ना। सही है, आलू कचौड़ी बना ली, पर तब बनाऊंगी जब अगर वाकई में मौसम खराब हुआ और जाना नहीं हुआ तो। हाँ हाँ तो वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, पर तुम ऐसा ना हो कि कचौड़ी खाने के चक्कर में मैं कैंसिल कर देना जाना। अरे उसकी टेंशन मत लो, मैं कोई जाना कैंसिल नहीं कर रहा, कचौड़ी खाने के चक्कर में पागल हूँ मैं, पार्टी दाव थोड़ी ना छोड़ूंगा। मेरा तो वो मन कर रहा था इडली सांभर खाने का, अब कचौड़ी छोड़ के इडली सांभर। इडली सांभर मन कर रहा था दिन से, सांभर नहीं खाया कितने दिन से, इडली सांभर। तुम्हारा मन नहीं कर रहा? हाँ हाँ चलो ठीक है इडली सांभर। कचौड़ी तो लेटे अभी हमने थोड़े दिन पहले खाई थी ना। हाँ ठीक है ठीक है, इडली सांभर ठीक है, इडली सांभर सही है। हाँ ठीक है, इडली सांभर बना लेंगे, सूजी वाली बना लूंगी, इंस्टेंटली बन जाएगी तुरंत जल्दी से। हाँ हाँ है ना, और उसके लिए नारियल की चटनी, सूखा नारियल वाली बना, नारियल की चटनी ठीक है। हाँ हाँ नारियल चटनी, पानी वाले जो नारियल होता है ना उसकी चटनी का टेस्ट ही अलग होता है, उसका स्वाद ही अलग होता है, सूखे वाले नारियल का ना टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है भाई। देख लूंगी सांबर बना लूंगी, सांबर इडली, अगर नहीं बना तो कचौड़ी बना लूंगी, इन दोनों में से एक चीज बना लूंगी। बता तो क्या खाने का तुम्हारा? अरे भाई चुप, बस एक बस इतनी तुझसे बात छेड़ दो बस। अरे
चुप। खाने के बारे में ही मैंने कहा चुप। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। नारियल पानी, सादा पानी, टिंडे कचौड़ी, पता नहीं यार कितना बोलती है यार। खाने में कुछ कह रहे थे कि जाएंगे नहीं। मैंने सिर्फ एक हल्का सा इन्फॉर्म किया कि अगर मौसम खराब लगता है तो शाम को घर पे ही बनाना, पर अच्छा कुछ बना लेना टेस्टी। तो मैं भी तो यही बोल रही थी कि अच्छा बना लूं। मैंने भी सुन लिया, पर तू तो पूरी थीसिस लिख देती है, किताब लिख देती है, पीएचडी करेगी क्या? तो तुमसे पूछी तो चुप। हाँ ठीक है चुप। चुप यार, क्यों इतना रेडियो एफएम की तरह बोलती रहती है यार, पता नहीं क्या है यार। रेडियो जॉकी है, कोई चीज बनाओ। चुप। मैंने कहा चुप चुप चुप। कोई चीज बनाते उसकी तैयारी भी तो करी जाती है पहले से, इसलिए कंफर्म कर रही थी तुमसे। आई से शट योर माउथ, शट अप। अब तो नहीं होगी, घोड़ी की तरह हिन हिन आती रही। जब देखो घोड़ी की तरह तानी के इंजेक्शन लगवा के आ जाती है, इतना हिन हिन आती है, इतना बोलती है। अब चुप पड़ गई, अब नहीं बोल रही कुछ। चल बढ़िया, ऐसे ही चुप रहा कर। तुम तो कुछ ज्यादा ही चुप हो गई तुम तो। हाँ दिमाग मत खराब करो, सुबह से नौटंकी लगा रखी है, कोई भी बात बोलो चुप 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 करके चुप कर रहते हो, चले आते हो नौटंकी करने, खुद ही बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो अभी भी कौन सा मुंह बंद हो गया, बोल तो रही है चपर चपर तू। तो चुप कर दो ना फिर से, टेप लगा लेती हूँ मुंह में टेप। मजा आ गया, पर वैसे इस प्रैंक में है ना दोस्तों, आज अपनी औरत को, अपनी लुगाई को, बीवी को चुप करा के बड़ा मजा आ गया। अब तो मालूम पड़ गया ना प्रैंक कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दबा के लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चबूतरा जैसा घुटना घुसेड़ दिया। चबूतरा है तो घुसेड़ेंगे। हाँ, पैर दबा दो, पैर दबाइए, पैर अब पैर दबा दे अच्छे से। क्या कर लिया तू? पूरा सरक गया पर तुम नहीं सरके। वेरी गुड। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय।